ओम नमो नारायण। भाइयों, मेरा इरादा सिर्फ सचेत करने का है, सतर्क करने का है, या सही की तरफ इशारा करने का है, बुरा भला कहने का नहीं, ऊंचा नीचा दिखाने का भी नहीं। मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन अगर मेरी बातों पे खरे उतरे या मेरे कहने के अनुसार आपने कार्य को 100% करके सही दिखाया, मेरी बातों के अनुसार या इस ज्ञान के अनुसार, तभी मैं आपसे स्नेह करूंगा, अन्यथा नहीं। इस धरती पे तुम्हारे लिए जगह नहीं है, याद रखना। ओ हे राम, जीवन के चार सर्वोपरि उद्देश्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पर किसी को नहीं पता धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। आपको अपने कर्मों से अगर खुशी मिल रही है तो आप धर्मात्मा हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्म का आपको ज्ञान है। यदि अगर आपको अपने कर्मों से संतोष है तब, और कर्मों से संतोष किसको होता है, मेरे विचार से जो देव पुरुष है, जो देवता है, देवताओं को ही अपने कर्मों से संतुष्टि मिलती है, वही संतोषी रूपी जीवन व्यतीत करते हैं। कुदरत प्रकृति तो अपना कार्य करती है, और हम लोग भी लगभग सही तरीके से अपना काम करते हैं, पर अगर देखा जाए देश देशांतर की बात, तो यही अपने ही देश में केवल 5% लोग सही ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें धर्मज्ञ भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं। आगे फिर बाद में बताऊंगा। और नमो।